किलो का हाथ, 40 करोड़ रुपए की ग्रैंड ओपनिंग, 20 लाख टिकट की एडवांस बुकिंग, 73 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन एक दिन में, ट्रैक्टर टाली वाला प्यार, ये सब हिंदुस्तान की जनता कर रही सनी देओल पाजी के लिए और अपनी गदर 2 फिल्म के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गदर 2 फिल्म ने 2 दिनों में कितने रुपए की कमाई कर ली बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो हमारे देश भारत से देख रहे हो, सनी देओल पाजी को सपोर्ट करते हैं, अपनी मूवी गदर 2 को सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये फिल्म 11 अगस्त से सिनेमा घरों में लग चुकी है। इस फिल्म के शो लगभग सभी हाउसफुल जा रहे हैं, जनता ट्रैक्टर टाली लेकर पहुंच रही इस फिल्म को देखने के लिए। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लोग किसी नेता परेता की रैली में नहीं जा रहे हैं, बल्कि गदर 2 फिल्म देखने जा रहे हैं। यह वीडियो भीलवाड़ा राजस्थान का है, यहाँ पर लोग ट्रैक्टर टाली लेकर मूवी देखने पहुँच गए। ये सब नजारा देख कर मॉल के कर्मचारी भड़क गए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है कि भाई गदर 2 को देखने के लिए लोग ट्रैक्टर टाली लेकर मॉल में पहुँच रहे हैं। इस वीडियो में आगे और भी ऐसी बहुत सी इंटरेस्टेड बातें गदर 2 से रिलेटेड, लेकिन वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कमाई की। इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 40 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी, तो वहीं इस फिल्म के दूसरे दिन का कलेक्शन रहा 43 करोड़ 80 हजार रुपए। अगर इस फिल्म की 2 दिन की कमाई की बात करें, तो इस फिल्म ने अपने 2 दिनों में 83 करोड़ 1 लाख 80 हजार रुपए की कमाई की है इंडिया के अंदर। आज इस फिल्म का तीसरा दिन, वो भी दिन है संडे, अब देखते हैं ये फिल्म अपने तीसरे दिन कितने रुपए की कमाई करती है। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बना के रखा हुआ है, रोला चल रहा है इंडिया में गदर 2 का। जितना ज्यादा गदर 2 फिल्म को देखना है, उतना ही ज्यादा उसे सपोर्ट करना, उतना ही ज्यादा जरूरी बिग बॉस में हो रही चतुरपट्टी में एलविस यादव को वोट भी करना है, क्योंकि उस अकेले बंदे ने पूरा का पूरा सिस्टम हैंग कर रखा है बिग बॉस का। ये भी एक बहुत ही जरूरी बात थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए, ताकि अपना बंदा बिग बॉस में हारने न पाए। वो फिनाले में फाइनली जीत तो चुका है, लेकिन जरा बिग बॉस वालों को ये दिखा दिया जाए कि भाई एलविस यादव की कितनी ज्यादा पावर है, कितनी ज्यादा फैंस फॉलोइंग है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, गदर 2 मूवी की बात कर लेते हैं। देखो गाइस, राजस्थान के जयपुर वालों ने पूरा राज मंदिर थिएटर ही बुक कर रखा है एक हफ्ते के लिए। 12 अगस्त को पटना के सभी थिएटर हाउसफुल थे, तो वहीं आगरा से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि गदर 2 के टिकट ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। लोग 200 रुपए की टिकट के 500 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। इसे कहते हैं गदर 2 का रोला सनी देओल पाजी का रोला, जो कि हमारे देश के अंदर इस समय बहुत ही तेजी से चल रहा है। गदर 2 का रोला सिनेमा के डायरेक्टर शर्मा जी का कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म साबित हो चुकी है सिर्फ 2 दिनों में, और इस फिल्म ने अपनी लागत का पैसा अदा कर दिया है 2 दिनों के अंदर। इस फिल्म का बजट 75 से 80 करोड़ रुपए के बीच का था और जनता अभी भी इस फिल्म को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, फिर चाहे ट्रैक्टर लेके मॉल में जाना पड़े या बैलगाड़ी लेके, हम तो गदर 2 देखने जरूर जाएंगे। गदर 2 फिल्म 2 दिनों से इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग में चल रही है। हालांकि ओएमजी 2 को भी गदर 2 के साथ रिलीज किया गया था, लेकिन इस रेस में ओएमजी 2 कहीं खो गई है। अगर आप लोगों ने ये फिल्म देखी है, तो आप इस फिल्म को 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 5 स्टार मिलते हैं, 2 स्टार एक्स्ट्रा सनी देओल सर के लिए।